समय कैंसर का दौर जारी है। एप्ला में न्यूज से तैयार करता हूँ, राज्यों में भी जो वैकेंसी आती है उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाती है। और आपको बता दूं कि मैंने शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दी है, डिटेल देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। तो पहली वैकेंसी आ रही है मध्य प्रदेश से, बहुत लंबे अरसे बाद इतनी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है। 4000 पद हैं कांस्टेबल जीडी और कांस्टेबल रेडियो के लिए। योग्यता होनी चाहिए 10th या 12th पास। एज लिमिट है 18 से 33 साल और लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए, या कहें कि फॉर्म भरने का जो डेट है वो 24 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में है। और तो ये मध्य प्रदेश में है और डिटेल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अगली वैकेंसी आ रही है IBPS RRB से। यहाँ पर 9500 से ज़्यादा पद हैं, ये RRB यानी रीजनल रूरल बैंक्स में। कई तरह के पद हैं जैसे ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर SKL 1, ऑफिसर SKL 2, इसमें मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भी वैकेंसी है। योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या लॉ ग्रेजुएट है तो भी, या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या MBA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 40 साल। ये लास्ट डेट इसका ख़त्म हो गया था लेकिन फिर से इसको ओपन किया गया है। इसका फॉर्म 9 नवंबर तक भरा जाएगा। ओके, एप्लीकेशन फी आप देख रहे हैं इतना है। अगली वैकेंसी लेते हैं, ये भी IBPS क्लर्क से, ये भी रीओपन हुआ है। 2500 से ज़्यादा पद हैं, योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज लिमिट है 20 से 28 साल। लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने के लिए 6 नवंबर। तो ये रीओपन हुआ है, 23 अक्टूबर से फॉर्म भरा जा रहा है। ओके, और एप्लीकेशन फी 175 रुपये से 850 रुपये के बीच में है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगा। अगली वैकेंसी आ रही है यूनाइटेड कॉमर्शियल, ये बैंक से, यूको बैंक कहेंगे इसे। 91 पद हैं, इंजीनियर्स, इकोनॉमिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अदर। योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग डिग्री या PG। एज लिमिट है 21 से 40 साल। लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 17 नवंबर और एप्लीकेशन फी आप देख रहे हैं 118 रुपये से लेकर 1180 रुपये है। और सैलरी ठीक ठाक है, हालांकि ये कोलकाता में वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, देश भर के युवा। अगली वैकेंसी है मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, या 19 पद हैं, ड्राइवर और मल्टी स्टाफ। ओके, मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी MTS। योग्यता ये 10th पास योग्यता होनी चाहिए और एज लिमिट है 21 से 38 साल। लास्ट डेट है 31 अक्टूबर फॉर्म भरने के लिए और एप्लीकेशन फी 200 से 500 रुपये के बीच में है। और सैलरी आप देख रहे हो ये देखने को मिल रही है, ये केवल मणिपुर में ये वैकेंसी है। अगली वैकेंसी देखने को मिल रही है सिक्किम यूनिवर्सिटी में, यहाँ 8 पद हैं, LDC लेबोरेटरी अटेंडेंट, लेबरेटरी डिप्टी लेबरेटरी। योग्यता होनी चाहिए 10th पास या 12th या PG या PhD डिग्री। एज लिमिट है 18 से 62 साल। तो अगली वैकेंसी लेने से पहले आपको बता दूं कि 2020 का करंट फोर्स अवेलेबल है, PDF विद नोट्स से MCQ है, करीब 1200 और जनवरी से सितंबर तक का अपडेट पूरा है। तो आप देख सकते हो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ये खास बात है। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना आप, 2019 का भी करंट फोर्स अवेलेबल है। अगली वैकेंसी है ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से यानी BPSC से, ये कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो कि इन पदों के लिए है, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी DSP, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, प्रिजनर, स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर, तो इस तरह के ढेर सारे पद हैं। इसके लिए डेट ख़त्म हो चुका था लेकिन अब डेट बढ़ा दिया गया है, तो ये अब 28 अक्टूबर तक भरा जा सकेगा फॉर्म, आप देख लें। एज लिमिट है 20 से 40 साल। योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन, सिंपल। फी है इसके फॉर्म भरने के लिए 150 रुपये से लेकर 600 रुपये के बीच में। ओके, और अच्छी खासी वैकेंसी है, देश भर के युवा अप्लाई कर सकते हैं, बिहार में ये वैकेंसी है। अगली वैकेंसी है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से, यहाँ 252 पद हैं सिविल जज के लिए। योग्यता होनी चाहिए LLB। एज लिमिट 21 से 35 साल है। लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 5 नवंबर SSC से यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D के लिए वैकेंसी जारी हुई है 2020 के लिए। योग्यता होनी चाहिए 12th पास प्लस टाइपिंग आना चाहिए। एज लिमिट है 18 से 30 साल। लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 4 नवंबर और फी की बात करें तो SC ST और सभी कैटेगरी की महिलाओं, इसके अलावा PWD, इन सबको फ़ी नहीं लगेगा और अदर कैटेगरी को 100 रुपीज़ फ़ी है। ओके, और सैलरी ठीक ठाक ही मिलती है। और टोटल कितनी वैकेंसी है इसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है SSC के द्वारा, लेकिन कुछ हज़ार वैकेंसी तो होती है। देश भर के युवा अप्लाई कर सकते हैं, महिला पुरुष दोनों। तो डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। पहली वैकेंसी आ रही है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, यहाँ पर 26 पद हैं, MTS, LDC, UDC, लाइब्रेरियन, कारपेंटर
असिस्टेंट फोटोग्राफर, ये होता होना चाहिए 10th या 12th या ITI या CTI या ग्रेजुएशन, कोई भी डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 40 साल। लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 6 नवंबर। एप्लीकेशन फी 100 से 200 के बीच में है और सैलरी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, तो नीचे डिटेल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगली वैकेंसी आ रही है ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो नोट है रेवेन्यू नोट उसकी छपाई का ये की कंपनी है, सरकारी कॉरपोरेशन है। यहाँ पर पद हैं 16। असिस्टेंट मैनेजर, योग्यता होनी चाहिए LLB डिग्री या इंजीनियरिंग डिग्री प्लस MSc या PG या MBA, मतलब कई तरह के पद हैं इसलिए अलग अलग तरह के योग्यता मांगी गई है, तो जिसमें आपका सुटेबल हो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है मैक्सिमम 30 ईयर्स। लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 18 नवंबर। एप्लीकेशन फी 200 to 600 रुपीज है और सैलरी आप देख रहे हो बहुत ही अच्छी खासी है, मेल फीमेल दोनों के लिए मौका है और न्यू दिल्ली में ये मौका है। अगली वैकेंसी आ रही है इंडियन आर्मी से, ये जजेज एडवोकेट जनरल, इसके लिए ये वैकेंसी है, 8 पद हैं और योग्यता होनी चाहिए LLB डिग्री। एज लिमिट है इसके लिए 21 से 27 साल। लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 11 नवंबर। फी नहीं लगेगा, यही अच्छी बात है और सैलरी आप देख रहे हो बेहतरीन है, मेल फीमेल दोनों के लिए मौका है। अगली वैकेंसी है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये हैदराबाद में, यहाँ 16 पद हैं, स्टोर कीपर, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, अकाउंटेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड अदर पद हैं। योग्यता होनी चाहिए 12th पास या ग्रेजुएशन या PG या MBBS। एज लिमिट है मैक्सिमम 45 ईयर्स। लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 4th नवंबर। एप्लीकेशन फी 500 to 1000 रुपीज़ है, ओके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगा। अगली वैकेंसी है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से यानी BPSC में, यहाँ 373 पद हैं ऑडिटर के लिए यानी बिहार पंचायत ऑडिट ये सर्विस है उसके लिए। योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन या MBA या CA या CS। एज लिमिट 21 से 37 साल है। लास्ट डेट फॉर्मेंट के लिए 18 नवंबर और सैलरी ठीक ठाक मिलती है, मेल फीमेल दोनों के लिए मौका है। अगली वैकेंसी आ रही UK SSSC से, यहाँ पर 1431 पद हैं LT ग्रेड असिस्टेंट टीचर के लिए। योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन प्लस LT डिप्लोमा या BEd होना चाहिए। एज लिमिट है 21 से 42 साल। लास्ट डेट फॉर्मेंट के लिए 4 दिसंबर। एप्लीकेशन फी 150 से 300 रुपये के बीच में है और सैलरी ठीक ठाक देखने को मिल रही है, मेल फीमेल दोनों के लिए मौका है उत्तराखंड में। अगली वैकेंसी आ रही है हिमाचल प्रदेश पोस्टल सर्कल से, यहाँ पर 634 पद हैं ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS। योग्यता होनी चाहिए 10th पास। एज लिमिट है 18 से 40 साल। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म के लिए 6 नवंबर और एप्लीकेशन फी 100 रुपीज़ है फॉर जनरल OBC और EWS, और फी नहीं लगेगा SC ST और सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए, और सैलरी आप देख रहे हो हिमाचल प्रदेश में है तो हिमाचल प्रदेश के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे, मेल फीमेल दोनों। SSC से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ जूनियर इंजीनियर के लिए ये वैकेंसी आई है। कितने पद हैं टोटल इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है नोटिफिकेशन में। योग्यता होनी चाहिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा या BE या BTEC। एज लिमिट है मैक्सिमम कुछ के लिए है 30 साल, कुछ के लिए 32 साल, ये मैक्सिमम बात कर रहा हूँ मैं। लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 30 अक्टूबर और एप्लीकेशन फी कुछ के लिए 0 है और कुछ के लिए 100 रुपीज़ और सैलरी अच्छी खासी मिलते हैं, आप देख रहे हो मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या PSU हैं उन सब में आपको नौकरी मिलेगी जूनियर इंजीनियर के तौर पर। अगली वैकेंसी आ रही है ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से या महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल में वैकेंसी है, 1371 पद है। कौन कौन से? पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टी टास्किंग स्टाफ। योग्यता होनी चाहिए 10th पास या 12th पास। एज लिमिट है 18 से 27 साल। लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 3 नवंबर। एप्लीकेशन फी 100 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में है और सैलरी आप देख रहे हो अच्छी खासी ही है, मेल फीमेल दोनों के लिए मौका है लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों के लिए। और जितनी भी मैंने ये वैकेंसीज बताई हैं उन सब की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगली वैकेंसी आ रही है राजस्थान हाईकोर्ट से जोधपुर में, ये 1760 पद हैं, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क, क्लर्क ग्रेड 2, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और कुछ और पद हैं। योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन और बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल है। लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए 1 नवंबर। एप्लीकेशन फी 350 से 500 रुपये के बीच में है। तो दोस्तों ये था रोजगार समाचार। हम लोग हर संडे की रात 8 बजे ये वीडियो अपलोड करते हैं,